क्या हो रहा है ये? ओ मैन, ये बिरला भाई तगड़ी। इसी द रियल थिंग वी शैड टू बी एक्सप्लोर नाउ। है जो है वो समा है, तुम रह सकते। हेलो जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो आज हम ब्लॉग बनाएंगे, वो भी मोटो ब्लॉग भाई। तो बहुत दिनों के बाद सोच रहा था मोटो ब्लॉग करने के लिए, इसलिए नोनी भाई आया हुआ है, तो सोच रहा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे भाई चंदेलिया, क्योंकि भिलवाड़ा और चित्तौड़ पर तो भाई बहुत सारे ब्लॉग बना रखे मैंने, और ये मेरा 92 ब्लॉग है। तो आज की सीरीज में हम मेनली एक्सप्लोर करेंगे चंदेलिया को, और वो भी दो चीज़ मेनली एक्सप्लोर करेंगे, वो है हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा है बिरला भाई। तो मेन चीज़ जिसके लिए मैं आया हूँ वो बिरला को देखने के लिए। मैंने सुना है यहाँ की जो बिल्डिंग है ना बिरला की, मतलब बिरला की फैक्ट्री जो बिल्डिंग है वो भाई बहुत बड़ी है। तो चलो देखते हैं कैसी है। वैसे तो भाई जिधर भी नजर जा रहे उस समय सिर्फ फैक्ट्री है फैक्ट्री है, टाइल्स मार्बल फॉल्स। तो अभी देखो हम उस रास्ते से निकल रहे हैं जहाँ पर भाई जिंक प्राइवेट निकल, मतलब हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट हो रहा है, और ये देख लो भाई इसकी एंट्री है इस साइड से। ये तो बहुत बड़ी लग रही है यार। ओ भाई, पार्किंग में सिर्फ भाई इतने सारे, मतलब समझ सकते हो कितनी बड़ी है ये फैक्ट्री भाई। तो यार यहाँ से देख सकते हो हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड कैसा है यहाँ से, और ये चंदेलिया में पड़ता है चित्तौड़गढ़ में भाई, काफ़ी सही लग रहा है। और भाई हम अभी मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस से ज़्यादा ट्रेवल कर चुके हैं, और अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। सामने जिंक प्राइवेट लिमिटेड है, और आप लोग कमेंट में सजेस्ट करना कि इंडिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल है यहाँ। मेरे हिसाब से तो ये चंदेलिया में मुझे मालूम है, और आप लोग कमेंट में बताना कहाँ कहाँ है। और ये देख लो ये रेलवे लाइन कोटा को जाती है, बाकी जो 2000 पटरियाँ निकल रही है रेलवे लाइन की वो जिंक के प्लांट में जा रही है भाई। बहुत बड़ी प्लांट है ये भाई, कोटा की जा रही मेन, और कोटा की एक ही है ना, बाकी सब जिंक की लाइन है, 4-5 लाइन है। तो चलो हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हमें तो बिरला मिल गया है, और आप यहाँ अगर आ रहे हो तो यहीं से आपको दिख सकता है भाई बिरला की बिल्डिंग। तो देख लो भाई फैक्ट्री कितनी बड़ी है भाई, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है वो, फिर भी यहाँ से दिख रही है। तो देखो अब ट्रकें दिखना शुरू हो गई बिरला की। मजा आ गया यार आज तो, मतलब उतने बड़े बड़े प्लांट देख रहा हूँ मैं, दिल खुश हो गया पूरा। तो अब हम लोग जा रहे हैं उस रोड में जहाँ पे बिरला की फैक्ट्री है, मेन फैक्ट्री। ओ भाई मतलब हम जितना पास जा रहे हैं भाई ये बड़ी होती जा रही है भाई। अब तो कैमरे भी नहीं आ रही है, अब तो वाइड एंगल यूज करना पड़ेगा भाई। फोन को ऊपर कर रहा हूँ फिर भी ये कैप्चर नहीं हो पा रही होगी शायद मेरे हिसाब से पूरी। कितनी बुरी है यार ये तो भाई, यहाँ से तो बहुत बड़ा कुकर जैसा लग रहा है, ये है क्या? भाई मेरा फोन पूरा फ्लैट हो चुका है, तब भी जा कर के इसमें पूरा कैप्चर नहीं हो रहा। क्या हो रहा है ये? ओ मैन, ये बिरला भाई तगड़ी। भाई मैं सोचता था, लाइक मैंने पहले सुना था कभी कि यार बिरला जाके क्या, पर ये नैन क्या कर रहा है। बट यार लाइक मैं आया ना, मेरे को चक्कर आ रहा है तुम्हें, मतलब वीडियो में लाइक मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट अगर तुम देखो ना तो यार बहुत तगड़ा है यार ये, क्योंकि मैं लाइक पूरा ऊपर कर रहा हूँ ना कैमरा वाइड एंगल पे, जब जगह मेरे को दिख रहा है, मेरे को चक्कर आ रहा है ऊपर देखने में। और ये देखो यार, शायद आपको दिख रहा है दिख रहा, दुख के कारण मुझे नहीं पता। ओ मैन, ये एमपी बिल्डर का प्रोसेस है।
जैसी, और ये बहुत बढ़िया यार, ग्रेट मैन ग्रेट। सो लेट्स गो ब्रदर, दिस इज द रियल थिंग वी हैव टू बी एक्सप्लोर नाउ। तो यार ये देखो इसकी फैक्ट्री है भाई, मतलब बिरला सीमेंट की फैक्ट्री की, मतलब ये पटरी जा रही है। सही यार, इन लोग का अपना अपना रेलवे लाइन ले चले जाते हैं भाई, जरूरी भी होती है इन लोगों की। और ट्रकें ही ट्रकें देख रही है भाई, अब तो पूरे रास्तों में ट्रकें ही ट्रकें हैं बस। भाई 2 किलोमीटर का डिस्टेंस से ज़्यादा हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं अभी, और हर जगह बिरला की ट्रकें ही ट्रकें हैं, मतलब बिरला की समझ सकते हो खुद की स्कूल है भाई। ये देखो बिरला शिक्षा केंद्र, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल भी माना जाता है। और ये भाई अपना कपासन चौराहा, अगर हम लोग जा रहे चित्तौड़, तो मेनली जो हमें ब्लॉग में दिखाने थे वो मैंने दिखा चुका हूँ। तो सामने ही रहा चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तो इसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी बहुत बना चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो अभी तक तो जाकर देख लो, और कमेंट में बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर जरूर करना भाई।